नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंटिन्यूएशन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे शाहबानो केस और सरला मुद्गल केस। ये दो केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूनिफॉर्म सिविल कोड में इनके जजेस ने जजमेंट में ये मेंशन किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो प्रोविजंस है स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, इसलिए ये दो केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से जो शाहबानो केस है आपको फोर्थ ईयर में भी आएगा, लेकिन चूंकि आप प्री लॉ सेक्शन में हैं इसलिए मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स मेंशन किए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को शाहबानो केस। दिस केस इज अ लीगल माइलस्टोन इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द मुस्लिम वीमेन। इन 1932 शाहबानो अ मुस्लिम वीमेन मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान अ वेल नोन लॉयर इन इंदौर। दे हैड फाइव चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मैरिज। आफ्टर 14 ईयर्स ही मैरिड टू अनदर वुमेन यंगर देन हिम। आफ्टर सेवरल ईयर्स ही अबैंडन शाहबानो फ्रॉम हिज हाउस अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 62। देन शी मूव टू द कोर्ट एंड अप्लाइड फॉर मेंटेनेंस बिकॉज ही रिफ्यूज टू पे मेहर ऑफ ₹200। इस केस के अभी फैक्ट्स देखिए। शाहबानो नाम की एक औरत है, मुस्लिम औरत है। 1932 में उनकी शादी मोहम्मद अहमद खान के साथ हुई जो इंदौर शहर का एक बड़ा लॉयर है। उनके शादी के बाद 5 बच्चे हुए। 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी दूसरी शादी कर ली और उस शादी से भी उसको बच्चे हुए। और कुछ साल बाद उसने शाहबानो को घर से निकाल दिया और उसके 5 बच्चों को भी घर से निकाल दिया। तो शाहबानो ने लोअर कोर्ट में, मतलब इंदौर शहर के जो लोअर कोर्ट है उसमें अपील किया, क्योंकि उसने ₹200 मेंटेनेंस मेहर देना मना किया, मतलब मोहम्मद अहमद खान ने ₹200 मेंटेनेंस और मेहर देने से मना कर दिया। अंडर सेक्शन ऑफ 125 ऑफ द CRPC स्टेट्स दैट द डाइवोर्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। सेक्शन 125 CRPC का ये कहता है कि एक डाइवोर्स्ड वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको ₹25 महीना इसको मेंटेनेंस अप्लाई किया। लेकिन उस ज़माने में भी ₹200 एक सफिशियंट अमाउंट मानी जाती थी, लेकिन ₹25 कंसिडरिंग द फैक्ट उसके 5 बच्चे भी है, उसको ₹25 में महीने में गुजारा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए उसने इंदौर हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया। इंदौर हाई कोर्ट अलाउड हर ₹179.20 एज अ मेंटेनेंस। इंदौर हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिए कि मोहम्मद अहमद खान उसे मेंटेनेंस के तौर पर हर महीना ₹179.20 देगा। मीन वाइल मोहम्मद अहमद खान गेव हर तलाक एंड पेड हर ₹5,400 एज अ डोवर डीड। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसने हर महीना मेंटेनेंस देना ना पड़े इसलिए शाहबानो को तलाक दे दिया और 5,400 जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होती है, डोवर डीड जिसे कहते हैं, उसको वापस कर दिया। नाउ ही अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एज द मैरिज स्लैश कॉन्ट्रैक्ट इज डिजॉल्व हेंस ही क्लेम दैट ही इज नो लॉन्गर लाइबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज एंड मेंटेनेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो आपको आपका और उस पार्टी का कोई संबंध नहीं होता, आपको कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते। तो उसी प्रकार से उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि मेरी शादी तो टूट चुकी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो टूट चुका, तो मेरे कोई एलिगेशंस ऑब्लिगेशंस नहीं बनते कि मैं शाहबानो को मेंटेनेंस करूं या फिर उसको मेंटेन करूं। इन 1985 सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग इन फेवर ऑफ शाहबानो। ये केस काफ़ी सालों तक चली और आखिरकार 1985 में सुप्रीम कोर्ट गेव द रूलिंग इन फेवर ऑफ शाहबानो। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट देर वर सम कोटेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस विच टुक सम ऑफ द वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। जजेस ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें से कुछ जजेस ने कुरान में से कुछ वर्सेस का इस्तेमाल किया जजमेंट डिलीवर करने के लिए। उसमें कहा विच स्टेटेड दैट हजबेंड इज एंटाइटल्ड फॉर द अपकीप ऑफ हिज डाइवोर्स वाइफ इवन आफ्टर द डाइवोर्स एंड ओवर रूल हिज आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि डाइवोर्स के बाद में भी हस्बैंड को उसकी वाइफ का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा,
और उसी के हिसाब से उसका आर्ग्यूमेंट ओवररूल कर दिया। देर वॉज वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म अबाउट दिस जजमेंट बिकॉज इन दिस जजमेंट द कोर्ट ऑल्सो एडवोकेटेड द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जजेस ने कुरान का हवाला दिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को एस्टेब्लिश करने की भी मांग की। इसकी वजह से मुस्लिम लोगों में थोड़ा असंतोष फैला और वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हुआ, जिसकी वजह से इस जजमेंट को काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। और इसी के साथ साथ जो वीमेन सेफ्टी और वीमेन के मेंटेनेंस के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट इसे माना जाता है। हम लोग अगला जजमेंट देखेंगे, सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस इज़ ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट। सरला मुदगल केस में भी सिमिलर फैक्ट्स है, थोड़े अलग फैक्ट्स है, लेकिन इस केस को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सरला मुदगल वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ NGO कॉल्ड कल्याणी। शी फॉट दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ मीना माथुर। अभी सरला मुदगल जो है एक कल्याणी नाम का NGO है, वो वुमेन राइट्स के लिए काम करता है, इसकी वो प्रेसिडेंट थी। और उन्होंने ये केस मीना माथुर नाम की औरत के बिहाफ में, उसकी बिहाफ में फॉट की थी। अभी मीना माथुर वॉज मैरिड टू जितेंद्र माथुर अंडर हिंदू पर्सनल लॉ। हिंदू पर्सनल लॉ एक इम्पॉर्टेंट है, आपको जजमेंट में पता चलेगा। जितेंद्र माथुर गॉट कन्वर्टेड इंटू इस्लाम एंड मैरिड अनदर गर्ल हु ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड इंटू इस्लाम। नाउ एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, अ मुस्लिम मैन कैन मैरी एज मच एज 4 वाइफ्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अभी मीना माथुर ने हिंदू पर्सनल लॉ से जितेंद्र माथुर से शादी की। जितेंद्र माथुर को दूसरी शादी करनी थी, इसलिए उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लिया, उसने इस्लाम में कन्वर्जन किया। और उसकी जो दूसरी बीवी थी उसने भी इस्लाम में कन्वर्जन किया और उसने ये हवाला दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियाँ अलाउड है, तो मेरी दूसरी शादी भी अलाउड होनी चाहिए। सरला मुदगल फाइल दिस केस इन अगेंस्ट जितेंद्र माथुर ऑन बिहाफ ऑफ मीना माथुर। तो मीना माथुर के रिक्वेस्ट करने पर सरला मुदगल ने ये केस फाइल की। तो जितेंद्र माथुर ने उसके लॉयर के द्वारा ये आर्ग्यू किया कि एज ही गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड अंडर इस्लाम अ मुस्लिम मैन कैन मैरी एज मच एज 4 वाइफ्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उसने ये आर्ग्यू किया कि उसने इस्लाम में कन्वर्जन किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियां अलाउड है, तो उसकी दूसरी शादी भी अलाउड होनी चाहिए। लेकिन जजमेंट कुछ इस प्रकार से आया। ऑल्दो इस्लामिक लॉ परमिट्स 4 मैरिजेस, डिलीवरेट कन्वर्जन इन ऑर्डर टू मैरी अनदर वुमन कैनॉट बी परमिटेड। जज ने सबसे पहले तो ये कहा कि डिलीवरेट कन्वर्जन यानी जानबूझकर कन्वर्ट होना किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, हम लोग इसको परमिट नहीं करते। मैरिज विच इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ 1 पर्सनल लॉ कैनॉट बी डिजॉल्व यूजिंग द प्रोविजन ऑफ अनदर पर्सनल लॉ। कोर्ट ने यह कहा कि जो मैरिज हिंदू पर्सनल लॉ से गवर्न किया है, उसको तोड़ने के लिए आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रोविजन्स कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और कोर्ट ऑल्सो कोटेड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी द मैटर ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि स्टेट शुड मेक एन एफर्ट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडिया। इस केस में जजमेंट देने के बाद उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की मांग की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मैटर ऑफ डिबेट है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन आगे जाके इंडिया को हेल्प ही करेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।